नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल SBCL अंडाल में। मैं अपनी संस्था की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। कई लोग पूछ रहे हैं कि हमारे इस चैनल SBCL का पूरा नाम क्या है, तो मैं बता दूं, स्वामी विवेकानंदा कॉम्पिटिटिव लाइब्रेरी। ये एक ऐसी संस्था है जहां पर छात्रों को फ्री में जो है पढ़ाया जाता है, किसी भी तरह की कोई फीस नहीं ली जाती है। और आप लोगों को मदद के लिए, आप लोगों को शिक्षा को प्रचार प्रसार करने के लिए हम लोगों ने YouTube का सहारा लिया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को इसका लाभ मिले। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में टाइप 10 बताऊंगा। इसके पहले के जो 1 से लेकर 9 तक के वीडियोस हैं आप ज़रूर देखिए। और टाइम एंड वर्क एक बहुत बड़ा चैप्टर है और काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है उसमें, और बहुत सारे एग्जामों में इसके प्रश्न आते हैं, तो उस पर एक गहरा कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो देखिए, इसमें मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथ लेके आया हूँ। टू वर्कर्स ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कंप्लीटेड ए जॉब इन 5 डेज। इफ ए वर्कड ट्वाइस एज एफिशिएंटली एज ही एक्चुअली डिड एंड बी वर्कड 1/3 एज एफिशिएंटली एज ही एक्चुअली डिड, द वर्क वुड हैव बीन कंप्लीटेड इन 3 डेज। ए एलॉन कुड कंप्लीट द वर्क इन, ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि ए दुगनी क्षमता से, मतलब ए का जो क्षमता था उसका अगर डबल एफिशिएंसी से काम करे वो, तथा बी अपनी क्षमता का 1/3 से काम करे, और बी का जो एक्चुअल में क्षमता है उसका 1/3 1/3 से काम करे, तो कार्य 3 दिनों में पूरा होगा। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर नॉर्मल वे में काम कर रहे हैं वो लोग तो उन लोगों को 5 दिन लग रहा है। अगर वो लोग अपना अपना एफिशिएंसी को चेंज कर ले, ए अपनी एफिशिएंसी को डबल कर ले, क्वेश्चन के हिसाब से मैं बता रहा हूं, ए की अपनी क्षमता दुगनी कर ले और बी अपना क्षमता का 1/3 कर ले, तो जब एफिशिएंसी दोनों की चेंज हो रही है तो टाइम भी चेंज हो जाएगा। तो देखिए, टाइम बोल रहा है 3 दिन लग रहे हैं, तो सवाल है कि ए को अकेले कितना समय लगेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण मैथ है दोस्तों। तो देखिए, 5 दिन हम लोगों का अपना जो पुराना प्रोसेस है, 3 दिन, तो 5 या 15, आप इससे भी एक थोड़ा सा बढ़ा करके कुछ ले लें, 30 ले लें, तो मान लेते हैं कि 30 जो चेयर है वो बनाने का काम है दोस्तों। आपको प्रीवियस जो भी वीडियोस हैं आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट क्या है। तो हम लोग ये टोटल वर्क मानते हैं दोस्तों कि 30 चेयर बनाने का टोटल काम है, यही हम लोगों का टोटल वर्क है। अभी देखिए, ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिनों में करते हैं, तो जरा देखिए दोस्तों, ए और बी 5 दिनों में काम को करते हैं, जब नॉर्मल रहते हैं तब, कोई एफिशिएंसी अपना चेंज नहीं करता है तब, तो 5 दिन में बनाते हैं। तो 1 दिन में कितना बनाते हैं दोस्तों, 6 चेयर बनाते हैं। अब देखिए, द वर्क वुड हैव बीन कंप्लीटेड इन 3 डेज, कब, जब ए अपना क्षमता का डबल करे। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों, ए अपना क्षमता को डबल कर लिया तो 2A हो जाएगा। उसके बाद बोला है बी अपना क्षमता का 1/3 कर लेता है, यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों, B/3 हो जाएगा। और जब ऐसा होता है, ए अपना क्षमता को डबल कर लिया, माने ए जो है अब 2 आदमी के बराबर काम करने लगा, माने ए मान लीजिए पहले 5 कुर्सी बनाता था तो अब 10 बनाने लगा, कहने का मतलब यही है, उसकी एफिशिएंसी डबल हो गई है, ए अब 2A हो गया है, और बी जो है वो B/3 हो गया है, 1/3। तो इस हिसाब से उसे कितने दिन लग रहे हैं दोस्तों, 3 डेज लग रहे हैं। ये नीचे वाला डेज होता है और ये जो हम गोल घेर देते हैं ये कुर्सी होता है, मतलब चेयर। तो ये 3 दिन में 30 चेयर बनाने लग रहा है, तो 1 दिन में कितना बनाता होगा, 10 चेयर बनाता होगा। अब देखिए दोस्तों, इससे हम लोग एक इक्वेशन बना लेंगे, क्या इक्वेशन बनेगा दोस्तों, तो देखिए, ए प्लस बी, ये लोग कितना कुर्सी बना रहे हैं दोस्तों, 6, ये इक्वेशन नंबर 1। और इसमें देखिए दोस्तों, मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, 2A+B/3, ये लोग कितना कुर्सी बना रहे हैं, 10, यानी ये लोग 10 बना रहे हैं, एलसीएम ले लीजिएगा तो 3 × 6A+B बराबर 10^3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 30, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों 6A+B बराबर 30 चेयर, ये इक्वेशन नंबर 2। अब सवाल को देखिएगा दोस्तों, क्या है, ए को अकेले काम करने में कितना समय लगेगा, ए एलॉन
कुड कंप्लीट द वर्क इन, ए को अकेले कितना काम करने में समय लगेगा, यानी कि हमें ए की एफिशिएंसी ज्ञात करनी है, हम लोगों को ए का एफिशिएंसी फाइंड आउट करना है, यही हम लोगों का टारगेट है दोस्तों, तभी हम लोग टाइम निकाल लेंगे कि ए को कितना टाइम लगेगा। तो जरा सा देखिए इस इक्वेशन को देख के क्या लग रहा है, जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग इससे इसको घटा देते हैं तब क्या होगा, बी वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो 6a में से 5a चला, a चला जाएगा, तो 5a यहां पर माइनस बचेगा, लेकिन माइनस का साइन आपको इग्नोर करना है, माइनस आपको कोई भी ये नहीं है। 30 में से 6 चला जाएगा तो 24, तो a का एफिशिएंसी कितना आ गया दोस्तों, 24/5, ये दोस्तों a का एफिशिएंसी पता चल गया। जब एफिशिएंसी पता चल गया तो हम लोगों का फॉर्मूला पता है, T=W/E, कितना काम है दोस्तों, यही W होता है हम लोग का, तो काम है 30 चेयर का। E किससे काम कराना है दोस्तों, तो बोला है A को कितना टाइम लगेगा, तो A का एफिशिएंसी कितना आ गया दोस्तों, 24/5, ये 5 आपका ऊपर चला जाएगा, 6 × 24, 6×5 = 30, 25/4 यानी 6 × 1/4 डेज, यही आंसर है दोस्तों। तो देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण मैथ है, बुक में देखिएगा इसे इक्वेशन बना करके थोड़ा सा एक्स वाई मान करके किया गया है, लेकिन आप देखिएगा मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको दिया है शुरू से आखिरी तक हम लोग उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि जिस तरह से इस वीडियोस को बनाने में हमें थोड़ी मेहनत लग रही है, आप भी पेन और पेपर लेकर के ही वीडियो देखिएगा, निश्चित तौर पर आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, आपको प्रश्न भी समझ में आएगा और सॉल्व भी आप अच्छा से कर पाएंगे। वीडियो देख करके समझना अलग बात है दोस्तों, वीडियो देख के आप जीके वगैरह अच्छा से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मैथ है दोस्तों उसके लिए आपको पेन और पेपर की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इसलिए वीडियोस को बीच में पॉज करके आप प्रश्न को देखें, लिखें, उसके बाद आप उसे बनाएं, निश्चित तौर से आपको समझ में आएगा, कितना भी कठिन प्रश्न होगा आपको समझ में आएगा, ये हम लोगों के संस्था का वादा है। इसलिए दोस्तों जरूर जो है अपने से सॉल्व कीजिएगा और बनाइएगा। तो नेक्स्ट मैथ देखिए, ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट मैथ देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण मैथ है। तो देखिए, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज, ए एलोन कैन कंप्लीट इट इन 20 डेज, इफ बी डज द वर्क ओनली फॉर हाफ ए डे डेली, देन इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर विल कंप्लीट द वर्क। तो देखिए दोस्तों, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, ए अकेले 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, यदि बी प्रतिदिन हाफ टाइम तक ही काम करे, देखिए दोस्तों यहां पर भी एफिशिएंसी चेंज हो जा रहा है, यदि बी प्रतिदिन हाफ टाइम ही काम करे, क्वेश्चन यहीं पे समझना है दोस्तों, इफ बी डज द वर्क ओनली हाफ ए डे डेली, मेन आपको यहां पर यह देखना है, हाफ ए डे डेली काम करता है, करने लगता है कौन, बी, बी प्रतिदिन हाफ टाइम तक काम करे, तो बताएं ए और बी मिलकर कितने दिनों में काम करेगा। तो सोचिए दोस्तों, अगर नॉर्मल में उन लोग काम करते थे तो कितना दिन का टाइम लगता था, 12 दिन में वो लोग काम फिनिश कर देते थे। अब क्वेश्चन को क्या किया गया है, थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है कि अगर बी आधा दिन तक ही काम करे, तो आधा दिन तक काम करेगा तो फुल डे में जो काम होगा आधा दिन में उसे आधा काम होगा। मान लीजिए वो एक दिन में बी जो है 10 कुर्सी बनाता होगा, तो आधा दिन में कितना बनाएगा, 5 बनाएगा। तो बी का एफिशिएंसी अगर बोला जाए तो यहां पर देखिए घुमा के बोला है कि बी प्रतिदिन हाफ टाइम काम करे, आपको ऐसे भी बता सकता था कि बी का एफिशिएंसी अगर आधा हो जाए, दोनों का मीनिंग सेम है दोस्तों, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो एफिशिएंसी उसकी आधा हो गई एक तरह से, अगर वो आधा टाइम ही डेली काम करेगा, हाफ टाइम ही डेली काम करेगा, तो आधा ही काम कर पाएगा, यानी कि उसकी एफिशिएंसी आधा हो जाएगी, हाफ हो जाएगी पहले से। तो बोला है कि ए और बी मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो देखिए दोस्तों, एफिशिएंसी को चेंज करके भी प्रश्न परीक्षा में आता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए हम लोग का अपना पुराना प्रोसेस, हम लोग का अपना पुराना तरीका, 12 दिनों में करता है ए और बी, और ए जो है 20 दिन में करता है। तो 20 और 12 का आप एलसीएम ले लेंगे तो हम लोग मान लेते हैं कि 60 चेयर बनाने का काम था, 60 कुर्सी बनाने का टोटल काम है ए और बी 12 दिन में, हम लोगों का अपना प्रोसेस ए और बी 12 दिन में, तो 12 दिन में 60 चेयर बनाता है, तो एक दिन में 12×5=60, 5 चेयर बना लेगा। ए जो है बोला है 20 दिन में बनाता है,
20 दिन में, तो 20 दिन में 60 बनाता है दोस्तों, तो एक दिन में कितना बनाएगा, तो 20 या 60, तीन कुर्सी बनाएगा। अब सोचिए दोस्तों, ए और बी मिलकर पांच कुर्सी बना रहा है और ए अकेले बना रहा है तीन, तो बी कितना बना लेगा, पांच में से तीन चला जाएगा, दो कुर्सी बनाएगा, निकल गया हमारा बी का एफिशिएंसी। अब सवाल पे जाइए, क्या पूछा है, पूछा है यदि बी प्रतिदिन हाफ टाइम ही काम करे, जब हाफ टाइम करेगा तो क्या होगा दोस्तों, बी अगर फुल टाइम काम करता है तो दो चेयर बनाता है, अगर हाफ टाइम काम करेगा तो एक चेयर बनाएगा। और दोस्तों ए और बी मिलकर काम को कितने दिनों में, तो जरा दो सोचिए, ए के एफिशिएंसी में कोई चेंजिंग नहीं है, तो ए का एफिशिएंसी दोस्तों कितना है, तीन कुर्सी बनाने का, बेचारा पहले भी तीन बनाता था और अभी भी तीन बनाना पड़ेगा उसको, और बी जो है आधा टाइम में हर दिन आधा आधा दिन काम कर रहा है, तो पहले दो चेयर बना के जाता था, अब एक ही चेयर बना के जाएगा, तो इस तरह से टोटल कितना चेयर बन के तैयार होगा एक दिन में, ए बनाएगा तीन और बी बनाएगा एक, दो नहीं बनाएगा क्योंकि यहां पे बोला है हाफ टाइम तक ही काम करता है, यानी कि उसकी एफिशिएंसी आधा है, तो इस तरह से एक दिन में ए और बी के द्वारा कितना कुर्सी बनकर तैयार होगा, यही मेन बात है दोस्तों। तो ए बनाएगा तीन चेयर और बी बनाएगा एक चेयर, तो टोटल चेयर बनकर तैयार होगा चार। तो इस तरह से हम लोगों का पुराना फॉर्मूला टी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई ई, टोटल काम कितना है दोस्तों, 60 कुर्सी बनाना है, किससे बनवाना है यहां पर, ए और बी से, लेकिन याद रखिएगा बी पूरा काम नहीं करता है, आधा कुर्सी बनाएगा, यानी कि अगर वो दो बनाता था तो अब एक बनाएगा, तो ए बनाएगा तीन और बी बनाएगा एक, इस तरह से चार। कई लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि ये चार कहां से आया, इसके लिए मैं यहां पर एक छोटा सा नोट दे देता हूं, ए बेचारा पहले भी तीन बनाता था अभी भी तीन बनाएगा, लेकिन बी जो है पहले दो बनाता था, ये मैं यहां पर लिख रहा हूं, पहले दो बनाता था लेकिन अब वो एक ही बनाएगा, तो इस तरह से तीन और एक चार आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से 15 चौके 60 15 डेज, 15 दिन लगेगा। तो ये देखिए दोस्तों, जरूर आप ऐसे सवालों को बहुत मेहनत और बहुत ये के साथ हम ऐसे प्रश्न को आपको दे रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो इससे कठिन नहीं होते हैं और बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ है। आप जरूर ऐसे प्रश्नों को फेयर कर लीजिएगा, कॉपी में अच्छी तरह बना लीजिएगा और पेन और पेपर से बनाइएगा, वीडियो देखिए जरूर लेकिन पेन और पेपर के साथ, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, अगर आप हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हम जरूर आपसे ये कहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण, हम जिस तरह से आप देख लीजिए कि टाइम एंड वर्क को हम कैसे पढ़ाए हैं, टोटल आपको 10-11 वीडियोज़ दिए हैं केवल एक चैप्टर के ऊपर, उसी तरह से जितने भी चैप्टर्स हैं सबके ऊपर इस तरह से पार्ट में वीडियोज़ हम बनाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे, ताकि आपको किसी भी ट्यूशन किसी भी ये का जरूरत ना पड़े। अगर आप इन्हीं वीडियोस को अच्छी तरह से देखेंगे तो उस चैप्टर के ऊपर आपका पूरा कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज और आइडिया बन जाएगा, एक पूरा कॉन्सेप्ट बन जाएगा, जिससे कि आप प्रश्नों को सॉल्व करने लगेंगे। धन्यवाद दोस्तों, और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।